कोटा शहर पुलिस की ओर से अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस रात रात भर जाकर शहर को अवैध बजरी माफियाओं से मुक्त करवाने में लगातार जुटी है। इसी कड़ी में बुधवार को भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 35 से भी ज्यादा ट्रकों को अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़ा। हालांकि पुलिस ने जिन ट्रकों को पकड़ा है उनमें से अधिकांश के चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। आपको सुनवाते हैं कि कोटा पुलिस की सफलता के बारे में शहर पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज से। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में बजरी खनन पर रोक लगा दी गई थी, मगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अवैध खनन अभी भी जोरों पर चल रहा है। पर कोटा पुलिस ने एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत बजरी खनन माफियाओं पर रोक लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ हैं कोटा शहर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव। दीपक भार्गव साहब से सीधी बात करेंगे, किस तरह की ये मुहिम है और किस तरह से कोटा शहर पुलिस ये अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई कर रही है। सर, किस तरह की सर मुहिम चला रखी है कोटा शहर पुलिस द्वारा? एक्चुअली बजरी खनन की शिकायतें आपने देखा होगा लगातार निरंतर आती जा रही थी, तो उसको देख के एक स्पेशल टीम बनाई थी। उन्होंने कल रात कार्रवाई करते हुए लगभग 35 वाहन पकड़े हैं, 32 मुलजिम पकड़े हैं, उसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं नयापुरा में, और इसमें आगे भी कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। सर, जिस तरह से प्रदेश भर में बजरी खनन माफियाओं की लगातार शिकायतें मिल रही है, कई बार पुलिस पर भी बजरी खनन माफियाओं के द्वारा अटैक किया जा रहा है, तो सर एक बड़ी चुनौती नहीं लगती पुलिस के सामने? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना में जितनी भी गाइडलाइंस आई हैं उस संबंध में पुलिस मुख्यालय से भी जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उन्हीं के गाइडलाइंस के तहत इस पे काम करते हैं, और माइनिंग विभाग, आरटीओ, पुलिस सब मिलके इसमें काम करते हैं। चुनौतीपूर्ण है, हाँ, कई जिलों में इस तरह से दिक्कत रही, इसीलिए हमने थोड़ी सावधानी बरती थी, जाब्ता अधिक रखा था, उनकी ब्रीफिंग बहुत अच्छी हुई थी। एडिशनल एसपी राजेश मील जी के नेतृत्व में अमृता CO4 इनके साथ मिलके पूरी लंबी चौड़ी टीम एहतियात के साथ उन्होंने काम किया था, और उनको डायरेक्शंस थे कि कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो जिसकी वजह से कार्रवाई की बजाय और कोई समस्या आए। कोटा शहर पुलिस की अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना एक प्रशंसापूर्ण है। लगातार अवैध बजरी खनन के लिए कोटा शहर पुलिस लगातार कार्रवाई करती आ रही है, और लगातार जो एसपी दीपक भार्गव का कहना है कि लगातार उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए कड़े टीम बनाकर कार्रवाई करते रहेंगे। कैमरामैन रवि राजपूत के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।